मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स की तंजीम पॉल ने खुसूसी टाउन हॉल मीटिंग का अहतमाम मिनी पाकिस्तान ब्रुकलिन में किया, जिसमें न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर एडवन कबान ने खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हमारे डिपार्टमेंट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। यही वजह है कि आज के इस अहम इवेंट में मैं अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। ये अपनी नौयत की पहली मीटिंग थी। इस तकरीब से पहले इस किस्म की किसी तकरीब में इतनी बड़ी तादाद में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिव टीम इस तरह दिखाई नहीं दी। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से इस टाउन हॉल मीटिंग में पुलिस कमिश्नर कबान के अलावा डिपार्टमेंट चीफ जेफरी बी मैड्रे, फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर तानिया आई कंसेला और दीगर तमाम अहम तरीन अफसरान मौजूद थे, जिन्होंने हाजरीन के सवालों के जवाब दिए। पुलिस कमिश्नर एडवर्ड कबान ने अपनी तकरीर में मजीद कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी के माबेन राब्ते मजबूत हुए हैं और आने वाले कल में इनमें मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने इस मौके पर मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स की तंजीम पॉल और पाकिस्तान कौंसुलेट ऑफिस न्यूयॉर्क और कौंसल जनरल आमिर अहमद अतुजई का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी काविशों से ये अहम तरीन मीटिंग मुनक्किद हुई। कमिश्नर एडवर्ड कबान ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले पुलिस इंस्पेक्टर अदील राणा को भी खिराज तहसीन पेश किया, जिन्हें हाल ही में इस ओहदे पर तरक्की दी गई है और वो पहले पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया है। इस मौके पर पॉल के सदर रोहेल खालिद ने पुलिस के आला अफसरान का खैर मकदम किया और अपने इदारे की कारकर्दगी से हाजरीन को आगाह किया। उन्होंने पुलिस की हाई कमान कौंसल जनरल आमिर अतुजई का खसूसी शुक्रिया अदा किया। रोहिल खालिद ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 सालों में पॉल की काविशों से मजीद 100 अफराद कम्युनिटी से पुलिस ऑफिसर्स के लिए डिपार्टमेंट का हिस्सा बने हैं। इस तरह आप 600 से जायद पाकिस्तानी अमेरिकन पुलिस का हिस्सा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मजीद अफराद भी आने चाहिए और ये तमाम दरवाजे खुले हुए हैं और तरक्की के लिए मेहनत करना होती है। मेहनत कीजिए, इम्तहान पास कीजिए और तरक्की पाइए। इम्तहान पास करने वालों को पुलिस डिपार्टमेंट से फीस में रियायत भी दी जाएगी। कौंसल जनरल आमिर अहमद अतुजई ने इस मौके पर अपने खिताब में पुलिस कमिश्नर समेत तमाम आला अफसरान का खसूसी शुक्रिया अदा किया और उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुआशरे में जराइम का खात्मा करने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस के साथ मिलकर सब काम करें। तकरीब के आगाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश की गई और पाकिस्तानी और अमेरिकन तराने भी पेश किए गए। A special thank you to the Consul General from Pakistan, Amir Ahmad Adogia, for being here and for his work to bring the two nations closer together. This partnership has become more important over the years, and we're always grateful for your support. I also want to thank Detective Khalid and the Pakistan American Law Enforcement Society's board and membership for organizing this town hall and for everything the society does of the NYPD and for all the people we serve. Our city's Pakistani American community is strong, it's vibrant, and it's growing fast. And the same is true in our city's police department. Over the last 4 years, the number of NYPD members who claim Pakistani heritage has increased by more than 20%. In the same time period, Urdu speakers in the NYPD rose 27%. And these dedicated officers are rising through the ranks as well. Just 2 weeks ago, I had the great honor of promoting my good friend, Adil Rana, who became the first Pakistani inspector in the history of the NYPD. Of course, the second round is here yesterday. So please continue joining me in congratulating him. Congratulations, my friend. And I know Deal won't be stopping there, and neither will any members of the NYPD. We are committed to increasing our diversity because the people who protect our city must reflect our city. This effort is critical to our public safety, and we can't do it without you. As leaders in the Pakistani American community, you are in the perfect position to get the word out and to help us recruit new officers directly from the neighborhoods we serve. Representation matters. And with your support, we will build a better police department and a safer city. And with that,
We are very happy you could join us tonight to discuss the issues that matter to you most. So thank you all for being here, and we look forward to talking to all of you. Thank you. Thank you, Commissioner. Chief of Department, Chief Jeffrey Madrig, thank you, sir. Honorable Consul General of Pakistan, Amar Ahmed Atazoy, thank you, sir, we part of this honorable meeting. Also, we have the other executive with us today. Just want to acknowledge Chief of Detective, Chief Joseph Canning. Welcome, sir. Thank you for accepting the invitation. Chief of Personnel, John Benoy. Thank you, sir. Deputy Commissioner Intel and Counterterrorism, Rebecca Wiener. Deputy Commissioner of Equity, Commissioner Wendy Garcia. I would also like to appreciate calls from this platform, because there were quite few occasions back in our country where there were calamities and circumstances beyond human control, where there was a need for reconstruction and doing public welfare and doing some charity. And they were in the forefront. They make it a point that they go to Pakistan, they look after the people in need, and we are highly thankful to them for this effort as well. As the Consul General of Pakistan in New York, I reaffirm our unwavering commitment to providing any support or assistance needed in addressing the issues faced by the Pakistani community. We stand ready to collaborate with the NYPD and other relevant authorities to ensure the safety, security, and well-being of our fellow citizens. The Consulate General of Pakistan looks forward to continued support of the NYPD in safeguarding the rights and interests of the Pakistani community. I'm sure together we can work towards a future where every individual feels valued, respected, and protected. May Allah bless you all, and I thank you.